मेरा धंधा थोड़ा कठिन धंधा है। ये अंधों की दुनिया में चश्मे बेचने का धंधा है। और अंधों से ये कहना कि मेरे पास आंखें हैं और तुम अंधे हो, खतरनाक है। अंधों की भीड़ है, अंधाधुंध भीड़ है। और कोई अंधा आदमी ये पसंद नहीं करता। कि कोई अपने को आंख वाला कहे और उसको अंधा कहे, और जबकि उस का बहुमत वैसा हुआ। साउथ अमेरिका के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में 300 लोगों का एक कबीला था इसी सदी के प्रारंभ में। ये ऐतिहासिक घटना है। वे 300 ही आदमी अंधे थे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। बच्चे आंख वाले पैदा होते थे, लेकिन 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर अंधे हो जाते थे। उस इलाके में एक मक्खी है जिसके काटने से बच्चे अंधे हो जाते। अगर 6 महीने तक वो मक्खी बच्चों को न काटे तो उनकी आंखें बच सकती, फिर वो मजबूत हो जाते। 6 महीने तक वो इतने कमजोर होते हैं कि मक्खी उनके आंखों को नष्ट कर देती। मगर वो मक्खी इतनी बड़ी तादाद में है उस घाटी में कि कोई बच्चा बच नहीं सकता। एक वैज्ञानिक ने जब ये खबर सुनी तो वो खोज में गया कि बात क्या है, क्योंकि 300 आदमी पूरे के पूरे अंधे हों, ये अचंभा है। और उसने अध्ययन किया और देखा कि हर बच्चा आंख वाला पैदा होता है, लेकिन जब तक वो आंख वाला होता है तब तक बोल नहीं सकता। और 6 महीना लंबा समय, और मक्खी बहुतायत से आम घर घर में, तो 6 महीने के भीतर वो उसे अंधा कर देती। जब तक वो बोलने योग्य हो पाता है तब तक अंधा होता है, जब तक आंख होती है तब तक बोल नहीं सकता। इसलिए उस कबीले को पता ही नहीं है कि आंख जैसी कोई चीज होती। इस वैज्ञानिक युवक को भी मक्खी काटती थी, लेकिन ये तो 6 महीने से बहुत आगे जा चुका था, इस पे मक्खी के जहर का कोई असर नहीं होता था। और इसने निर्णय किया कि किसी भी तरह इस मक्खी को नष्ट करना है। और ये चकित हुआ देख के कि ये 300 अंधे लोग बिना आंखों के भी काम चला लेते, छोटी मोटी खेतीबाड़ी भी कर लेते, अपने भोजन के लायक इंतजाम भी कर लेते, कठिनाई से और मुश्किल से। मगर अगर यही जिंदगी है तो किया भी क्या जा सकता है। हम सब भी यही कर रहे हैं, कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही परेशानी हो, कितनी ही झंझट हो, करें भी तो क्या करें, यही जिंदगी है। और चारों तरफ सभी लोग इसी जिंदगी में जी रहे हैं।
उस मक्खी का अध्ययन करते करते वो उस युवक का मन एक अंधी युवती पर आ गया। सुंदर थी, सिर्फ आंखें न थी। उसने कबीले के प्रमुख से उस युवती से शादी करने की प्रार्थना की, और तुम जानते हो कबीले के प्रमुख ने क्या कहा? कबीले के प्रमुख ने कहा, पहले तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम आंख वाले हो। क्योंकि ये बात न कभी देखी न कभी सुनी, ये झूठी बातें छोड़ दो। विवाह की आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक ही शर्त पर, कि हम जिन्हें तुम आंखें कहते हो उन्हें फोड़ देंगे। तुम अंधे होने को राजी हो, विवाह हो सकता है, तब तुम हमारी जाति के हो गए। तुम सोच लो। और अगर तुम आंखें वाले ही रहना चाहते हो तो हमें माफ करो, तुम किसी और दुनिया के आदमी हो, हमारी जाति के नहीं। कल सुबह अपना निर्णय बता देना। रात भर वो सोचता रहा कि क्या करे, क्या आंखें गंवा दे। मगर इन्हीं आंखों के कारण तो उस स्त्री के सौंदर्य में वो दीवाना हुआ है। ये इन्हीं आंखों की देन तो है कि उसने सौंदर्य को देखा है। इन्हीं आंखों को गंवा दे तो वो स्त्री सुंदर है या कुरूप, क्या फर्क पड़ता है? और सुबह होने के पहले निर्णय करना है। ठीक सूरज उगने के पहले वो वहां से भाग खड़ा हुआ, जितनी तेजी से भाग सकता था। कबीला उसका पीछा कर रहा था कि पकड़ो उसे, वो भाग ना जाए, क्योंकि वो बाहर जाकर लोगों को ये झूठी खबर देगा कि मैं आंख वाला हूं और दूसरे लोग अंधे। ये उस वैज्ञानिक ने ही दुनिया को खबर दी। दूसरे वैज्ञानिक गए, धीरे धीरे मक्खी को समाप्त किया। अब बच्चे वहां भी आंख वाले हैं। वो 300 लोग जो इस सदी के पहले चरण में आंख वाले थे, अंधे थे, मर चुके, बूढ़े हो चुके, समाप्त हो चुके। अब वो कबीला विलीन हो गया, आप सब आंख वाले। लेकिन अंधों के बीच ये कहना कि मैं ही अकेला आंख वाला हूं और तुम सब अंधे हो, अशोभनीय है। असिस्ट है। तुम्हारी बात मैंने समझी, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सोए हो तब भी साथ हूं, भला मैं जागा हुआ हूं? आखिर सोए हुए आदमी के साथ जागा हुआ आदमी भी तो बैठा हुआ हो सकता। और सोए हुए आदमी में और जागे हुए आदमी में फर्क ही क्या होता? बड़ा जरा सा फर्क होता है कि सोए हुए आदमी की आंख खुल जाए तो वो भी जाग जाए। लेकिन सोए हुए लोगों के बीच रह के ये बेहतर है कि तुम कम से कम ये ढोंग ही करते रहो कि तुम भी सोए हुए हो। नहाक उन्हें नाराज ना करो, उनकी भीड़ है, उनका समाज है, उनकी दुनिया है, तुम अकेले हो। और सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि उन्हें जगाना है। इसलिए दुश्मनी पैदा नहीं करनी है, दोस्ती पैदा करनी। इसलिए नहीं कहता कि तुम अंधे हो,
इसलिए कहता हूं कि हम अंधे, मगर वही कह सकता है कि हम अंधे हैं जिसके पास आंखें हों। अंधा आदमी तो यह भी नहीं कह सकता कि मैं अंधा हूं। तुमने कभी शायद इस पे सोचा भी ना हो, या सोचा भी होगा तो गलत सोचा होगा। लोग समझते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता होगा। तुम गलती में हो, अंधे आदमी को अंधेरा भी दिखाई नहीं देता। अंधेरा देखने के लिए भी आंखें चाहिए। तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि तुम्हारे पास आंख है। रोशनी तुमने देखी है इसलिए अंधेरा भी दिखाई देता है। अंधे आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके पास आंख ही नहीं है, ना अंधेरा न रोशनी। वो सहानुभूति का पात्र है, वो करुणा और प्रेम का पात्र है। उसे आहिस्ता आहिस्ता जगाना है, उसकी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे बहुत आहिस्ता आहिस्ता फेंकने हैं, उसे नाराज नहीं कर देना है। और फर्क कुछ बड़ा नहीं है, सोया हुआ भी वो वही है जो तुम जागे हुए हो, सिर्फ आंख खुल गई और दुनिया बदल जाती। गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने अपने पुराने जन्मों की बहुत सी कहानियां कही। उनमें एक कहानी बहुत ही प्रीतिकर। तब तक वो स्वयं जागे नहीं थे, बुद्ध नहीं हुए थे, लेकिन कोई बुद्ध हो गया था और उन्हें खबर मिली। वो उसके दर्शन को गए, उन्होंने झुककर उसके चरण छुए, जो कि पूरब की अद्भुत देन है। पूरब ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं करता। उस तरह के आदमी को यूनान में जहर दिया जाता, जूदिया में फांसी पे लटकाया जाता, अरब में टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाता। हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है जो अद्भुत है। यहां अंधे आदमी को भी इतनी सहनशीलता दी है कि वह आंख वाले के पैर छूने को राजी, और इसमें अपमान अनुभव नहीं करता बल्कि गौरव अनुभव करता है। अनुभव करता है कि मैं महिमा मंडित हूं कि एक आंख वाले आदमी के पैर छूने का मुझे अवसर मिला। नहीं सही मेरी आंखें, मगर कोई आंख वाला था जिसके मैंने पैर तो छुए। यह भी क्या कम है। बुद्ध ने पैर छुए और जैसे ही वो खड़े हुए तो हैरान हो गए। वो व्यक्ति, वो महापुरुष जो जाग चुका था, वो झुका और उसने सोए हुए आदमी के पैर छुए। बुद्ध ने कहा, आप ये क्या करते, ये कैसा पाप आप मेरे ऊपर थोप रहे। आप जागृत हैं, मैं आपके पैर छूं, ये मेरा सौभाग्य, लेकिन आप मेरे पैर छूकर मुझे किस नरक में ढकेल रहे हैं। उस बुद्ध पुरुष ने कहा था, नरक में नहीं ढकेल रहा हूं, कल तक मैं भी तुम्हारी ही तरह सोया हुआ था, आज जाग गया हूं। आज तुम सोए हुए हो, कल तुम भी जाग जाओगे। मुझ में और तुम में बुनियादी रूप से कोई अंतर नहीं। जो अंतर है बहुत ऊपरी, बहुत मामूली है। वो अंतर मामूली है यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं।
मैं तुम्हारे अंधेपन के पैर नहीं छू रहा हूं, मैं तुम्हारे भविष्य के, जब तुम भी जाग जाओगे, उस स्वर्ण दिन के, उस स्वर्ण प्रभात के पैर छू रहा हूं। और इसलिए भी ताकि तुम्हें याद रहे कि जाग के भूल मत जाना कि सिर्फ अंधे ही तुम्हारे पैर छू सकते हैं, तुम्हें भी उनके पैर छूने, तुम भी उनकी ही जमात के हिस्से हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई घड़ी भर पहले जाग गया और कोई घड़ी भर बाद जाग गया। इस अनंत काल में घड़ियों में गिनती नहीं होती।